कुंवर ठाकुर, मानसिंह ठाकुर की विधवा, आज के दिन संपूर्ण सभा में मैं मेरी वसीयत करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जमीन मिलकत की मालकिन मैं ही रहूँगी। मेरी मौत के पश्चात मेरे जमीन में से 500 बीघा जमीन मेरे बेटे को मिलेगी और मेरे सौतेले बेटे नागेंद्र को 50 बीघा जमीन मिलेगी। मेरे पिता की तरफ से मिली हुई जायदाद का मालिक मेरा पोता यानी कि मेरे सगा बेटा वीरभद्र का बेटा अर्जुन सिंह ही रहेगा। मेरी मिलकत पर मेरे सौतेले बेटे नागेंद्र का कोई हक या वारिस नहीं रहेगा। दीजिए महाराज। माजी, ओ माजी। हाँ? ये लो बेटा। बेटा वीरभद्र, आज तुम्हारे पिताजी की पुण्यतिथि है, इससे पहले हम उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर आते हैं। जय श्री कृष्ण दादी माँ। जुग जुग जियो मेरे पोते अर्जुन, जुग जुग जियो। दादी माँ, मैं भी आपके साथ मंदिर आऊं। अरे मेरे प्यारे पोते, पहले आप अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर हम साथ में मंदिर जाएंगे। सुनो, आज तुम्हारे दादाजी की पुण्यतिथि है और तुम्हें तुम्हारे हाथों से गरीबों को दान दक्षिणा देनी है। तैयार हो जाओ, हम लोग अभी आते हैं। हाँ जी। चलो वीरभद्र। अरे क्या हुआ बड़े भैया? बड़े भैया, पूरे पूरे मिलकत बचाकर पूछता है। नागेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो, इसका एहसास है? ख्याल तो तुम्हें रखना है। पूरे गांव में धर्म की पूंछ बनकर धर्म की बात करती है। मिलकत के बंटवारे में अधर्म का काम जो किया है, सगे और सौतेले के बीच भेदभाव रखकर तुमने अन्याय किया है। मतलब? रानी साहिबा, मेरी सलाह मान और बदल दे तुम्हारी वसीयत। मुझे सलाह देने वाला तू कौन? नागेंद्र नाम है मेरा। एक फूंक मारो तो मरने वाला पानी भी नहीं मांगे। हाँ। इसीलिए कहता हूँ कि मरने से पहले वसीयत बदल दे तो अच्छा है, और उसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो नागेंद्र नाम है मेरा,
नागेंद्र। बिल्कुल नहीं, मेरी जमीन का हकदार मेरा पुत्र वीरभद्र का बेटा अर्जुन सिंह ही होगा। और तुम्हें जो कुछ भी हिस्सा मिला है ना, वो इसीलिए कि मैंने मेरे पति को वचन दिया था, वरना एक तो रखेल के बेटे को एक तस्सू भर जमीन भी ना देती। तूने मेरी माँ को रखेल कहा? नागेंद्र, नागेंद्र! अरे कनक, कनक कहाँ हो बेटी? क्या है माँ? अरे कब से चिल्ला रही हो, कहाँ है तू? आती हूँ। ये देखो ना माँ, मैं तो कपड़े समेट रही हूँ। और वो राधा क्या कर रही है? वो तो अंदर तैयार हो रही है। माँ मुझे मेरे काम करने दो, बहुत देरी हो रही है। बस यही फर्क है तुम दोनों में, तुम अखा दिन काम करती हो और ये पूरा दिन सज धज के सवर के घूमती रहती है। अरे माँ, तुम उसमें झूठे इल्जाम मत लगाओ। अरे उसमें पहनने उड़ने का शौक है तो उसमें बुरा क्या है? और आज तो हम लोग गरबा खेलने जा रहे हैं, तो मेरी बहन तो तैयार होगी ही ना। गरबा खेलने जा रहे इसके लिए मना नहीं है, पर इतना देर तैयार होने में? कब से तैयार हो रही है, वहाँ गरबा भी शुरू हो गया होगा। ये लड़की को मैं कहूँ तो क्या? अरे राधा, अरे जल्दी करना, कितनी देर? माँ तुम उसे कुछ मत कहना, उसे आराम से तैयार होने दो और फिर देखना। फिर वो बन ठन के गरबा खेलेगी ना, तो सारे लोग अपने आप को भूलकर उसे ही देखते रहेंगे। कनक तुम्हारी बात सच है हाँ? मैं तो गरबा देखे बिना ही दंग हो गई। क्यों माँ, बड़ी बहन कैसी लग रही हूँ? अरे राधा, तू गरबा देखने आ रही है नाटक सिनेमा? पूरी पगली दिख रही है। अरे राधा, गरबा में ऐसे कपड़े पहन के नहीं आते, जा जा बदल के आ जा। अरे तुम लोगों की सोच ना, तो गाउटी ही रहेगी। अरे ये फैशन की पूछड़ी, हम लोग मंदिर में गरबा खेलने जा रहे हैं, वहाँ पर ये ऐसा नहीं चलेगा। जा चनिया चोली पहन के आ। अरे पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, इसमें कितना अच्छा दौड़ सकती हूँ, कितना अच्छा कूद सकती हूँ और कितना अच्छा उठ बैठ सकती हूँ। और कितने अच्छे कपड़े फाड़ देती हूँ। ए लड़कियों चुप रहो, सुनो बेटी। देखो बेटा, जो जगह पर शोभा देता है वही अच्छा लगता है। जा कनक जा, इसके जाकर कपड़े बदलाओ और अच्छे कपड़े पहनाओ कुछ ढंग के। जल्दी जाओ, गरबा शुरू हो गया होगा। जाती हूँ। जा जल्दी जा, पगली जा जल्दी जा। चल, गिरना मत, संभाल के संभाल के। Yeah!
चलो अभी चलते हैं।
अरे सीता, ये तेरे पास कैसे आया? ला मुझे दे दे। अरे छोटे ठाकुर, मैं भी आपसे यही पूछना चाहती थी कि ये पायल है किसकी? मेरा है? आप कब से पायल पहनने लगे छोटे ठाकुर? देखो सीता, मैंने कितनी बार कहा तुम्हें कि मुझे छोटा ठाकुर नहीं कहने का, भाई बोलना है। देख सीता, तुम्हारे पिताजी इस हवेली के बहुत ही ईमानदार आदमी थे। उनके गुजरने के बाद बापू ने तुझे बेटी माना है और मैंने तुझे बहन माना है। आज के बाद मुझे छोटे ठाकुर नहीं, भाई बोलना है, समझी ना? अच्छा अच्छा भाई, पर पहले मुझे ये बताओ कि ये पायल है किसकी? अब ज्यादा मगजमारी किए बिना ला मुझे दे दे। लो पकड़ो तो। दे, अरे दे, 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 खा जा रही है, दे लो। अरे दे, अरे ला मेरा झांझर दे, अरे मेरा झांझर देना यार, क्या कर रही है? अरे सीता, ये क्या चल रहा है तुम लोग की मस्ती? देखो ना पिताजी, मुझे है ना अर्जुन भाई के बिस्तर पे से ना ये पायल मिली है। ला तो ये झांझर। हाँ अर्जुन बेटा, ये पायल किसकी है? पिताजी ये तो, हाँ हाँ ये तो मुझे कल गरबा के समय नीचे गिरा हुआ मिला था। ठाकुर पापा, एक बात कहूँ? बोल। ये गरबा में कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ऐसे ही निशानियाँ मिलती है। क्यों, सच है ना अर्जुन भाई? सीता भी तेरा बोलना बंद करा। अब तू बोलना शुरू कर। क्या नाम है उसका? वो तो पता नहीं है। कौन से गांव की है? वो भी नहीं पता है। देखो बेटा, तुम्हें इस झांझर वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर हमें आगे कैसे बढ़ना है? वो हमें भी नहीं पता है। हाँ? है नहीं? हाँ। देख बेटे, जब बेटा बाप के कंधों तक आ जाता है तब बाप बेटे दोस्त बन जाते हैं। इसलिए बेटे तुम्हें एक दोस्त के हैसियत से पूछ रहा हूँ कि कौन है इस पायल की हकदार कि जिसने तेरे दिल के तारों को सुर में बदल दिए? पिताजी, पिताजी उसका नाम कनक है। जय माता दी। सुंदर नजान रूप छे। आहा। कहां चली गोरी? अरे तुम्हारी ये लचके कमरिया को देख के मेरा दिल एकदम घायल हो गया, इसलिए बात तो कर लो हमारे साथ। सच कहता हूँ तुझे, मैं तुझे अपने दिल की रानी बना के माला माल कर दूंगा। नालायक, छोड़ो मेरा हाथ। करसन जिसका एक बार हाथ पकड़ता है फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ता है। अरे आजा मेरी रानी। आज बच के कहा जाएगी, आज तो तुम मेरा शिकार होके रहेगी। नालायक छोड़ मुझे। अरे धक्का मारती है। अरे अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? आज तो तुम मेरी होके रहेगी। अरे ये क्या कर रही है? हे करसनिया, ऐसे गांव की बहू बेटियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? खबरदार, आज के बाद ऐसी हरकत की है तो। अरे हरामखोर, अभी तो तुम्हें एक ही घाव दिया है, दूसरी बार अगर मिला ना तो तुम्हारे बोटी बोटी जैसे टुकड़े कर डालूंगी, जिसे चुनते चुनते तेरा खानदान गुजर जाएगा। चल बेटी चल, ऐसे हरामखोरों के मुंह नहीं लगते। चल याद रखूंगा तेरी ये निशानी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये 120 वाला ही पान है ना? हाँ। अरे फटका है। ए देख भारी बम जा रहा है। हाँ? कौन है? अरे पटाखा, क्या मस्त आइटम है। हाँ।
ए टमाटर ले लो, सब्जी ले लो। ए छोड़ी से, ए चल हट हट साला हरामखोर। अरे यार, इस लड़की को देखा तो आज तो सारा नशा ही उतर गया है। दिल चाहता है कि इसे पकड़ के ऐसे चबा डालू। किसके नसीब में है ये जाफरानी पत्ती? केला खाएगी? हाय 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 हाय। ऐसे पागलों जैसे ऐसे हंस क्यों रहे हो भला? गांव के बहू बेटियों की मस्करी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी माँ बहन ऐसे गिरती तो तुम हंसते क्या? ए लड़की, देख माँ बाप पे मत जाना। हाँ नहीं तो वरना थोबड़ा बिगाड़ देंगे तेरा। ए थोबड़ा बिगाड़ेगा मतलब कहना क्या चाहता है? ए मेरे दोस्त पे हाथ उठा रही है, तुझे तो आज सबक सिखाना ही होगा। अरे रे रे, 120 का नशा उधर गया ना? कोई बात नहीं, अब गुजरात की देसी तम्बाकू का नशा करते हैं। कच्ची सुपारी चुना तेज। बाहर निकल। अरे मत मारो यार, मर गया। अरे भाई छोड़ दो मुझे। अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अरे मर गया, भागो 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 भागो। अरे वाह वाह वाह, आप तो सच में फाइट मास्टर जैसे हो। ए तुम्हें कोई लगा वगा तो नहीं ना? चलो चलो हम डॉक्टर के पास पट्टा बांध के आते हैं। ये पट्टी वाली, मुझे पट्टी बनवाने से पहले तुम्हारी आंखों पर जो फैशन की पट्टी बांधी है ना, उसको नीचे उतार। फैशन के पट्टे? हाँ फैशन की पट्टी। ये अंधे की तरह तुम घूम रही हो। चलो छोड़ो, अभी ऐसे घूंघे की तरह खड़ा रहने से पहले अपने घर जाओ और ये जोगर जैसे कपड़े बदल कर देसी हिंदुस्तानी कपड़े पहन लो, अच्छा रहेगा। चलो अभी। अरे एक मिनट, एक मिनट भाई, क्या काम है? मुझे जसुबेन के घर जाना है। ये जो साइकिल लेके गई, ये उसी की लड़की है जो अभी गई वो? हाँ, ये हाँ उसी की लड़की है। कहाँ रहती? आगे से जो बाएं मुड़ोगे ना, वहाँ एक नीम का झाड़ आएगा, बस वही उसका घर। बाएं तरफ मुड़ जाना, वही झाड़ आएगा। हाँ चलता हूँ। बाएं तरफ नीम वाला मकान। जय माता जी, जय श्री कृष्ण। आओ भाई आओ, जय श्री कृष्ण। अरे मासी कैसी हो? अरे चंपा तुम भी कितने दिनों बाद आई हो। बैठो बेटा, चंपा बैठो। पशा भाई आप भी आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले ये कहो कहाँ गया वो अमथालाल? वो सोया है अंदर, मुँह तक चादर ओढ़कर। अभी तक सोया है? वो भी सूरज माथे पर आया तब भी। अरे देर रात को पिक्चर देखकर आया है ना, तो इसलिए माथे तक ओढ़कर सोया है। अरे उसे लेके मुझे खेतों में जाना है और अभी तक सोया पड़ा है। उठाओ उसे, लेके आओ यहाँ पे। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा ससुर जी? इसमें मेरा क्या था कसूर जी? अरे ससुर,
तू क्या समझता है? मैंने तेरी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन तूने अपना हाथ थमा दिया। कोई बात नहीं, तेरी जात का पैदा मारू। रुक, चुप, चल तुझे खेतों में चल रहा। मैं कभी नहीं ससुर जी, कभी नहीं, क्योंकि मैं हूँ अमथा एक्टर, और एक्टर कभी नहीं चलाते हैं ट्रैक्टर। देखो ससुर जी, अरे मैंने तो चंपा से प्यार किया है। चंपा? अरे मैं चंपा के लिए जान भी दे सकता हूँ। चंपा की खातिर मैं बकरा बन गया हूँ, और उसकी खातिर मैं बकरे से घोड़ा बन जाऊंगा। इसका दिमाग छटक गया लगता है। देख, अगर तू काम धंधा ठीक से नहीं करेगा तो चंपा से तेरी शादी नहीं करूंगा। नहीं होगा ससुर जी, मैं चंपा के लिए एक ट्रैक्टर तो क्या, पांच पांच ट्रैक्टर चला सकता हूँ। कभी ये हाथ से, कभी वो हाथ से, माफ करना, कभी ये पैर से, कभी वो पैर, माफ करना। चलो खेतों में चलते हैं और साथ में हल जोतते हैं। आओ बेटा, आओ बैठो। सच कहूँ बेटा, तुम जब इतने से थे ना, तभी मैंने तुम्हें देखा था, फिर कहाँ से पहचानूं? काके, इस बात को 15 साल हो गए हैं। सच कह रहे हो, समय को जाने में कितना वक्त लगता है। अरे कहाँ हो बच्चियों, सुनती हो? अरे राधा कनक, देखो तो जरा कौन आया है। कौन आया है माँ? बेटा, जामनगर वाले अरविंद भाई का बेटा किशन आया है। नमस्ते। नमस्ते। और बेटा, ये है आपकी बड़ी बेटी कनक। अरे तुमने इसे कैसे पहचाना? चाची, ये कनक का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला है। छोटी थी तब दिखती थी ना, वैसे ही अभी भी दिख रही है। थोड़ी लंबी हो गई है। इधर फर्क पड़ा कि नहीं? ऐसा ही मजाकिया रह गया तू। जा बेटा, किशन के लिए चाय लेकर आओ तो। नहीं 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 नहीं, हाँ, चाय की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको मिलने ही आया था। चलो चाची, अब चलते हैं। क्या है माँ, कौन आया है? अरे बेटा, तू इसे पहचानता है? ये तो राधा है। तुमने इसे कैसे पहचाना? मैं तो इसे मिला हूँ। ए, कहाँ मिला, कैसे मिला? छोटा था ना तब। हाँ, चलना सीखा तब, मानना पड़ेगा। अरे चाची, ये आपकी राधा के चेहरे पे जो तेल है ना, उससे तो कोई भी याद रख सकता है। तुम्हारी याद शक्ति के दांत देनी पड़ेगी। और मुझे जब तक याद है ना, ये राधा छोटी थी तब आपको बहुत परेशान करती थी। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ ना? अभी भी इतना ही करती है। अरे तुम भी क्या माँ, बाहर वालों के सामने मेरा मजाक उड़ाती हो। मैं नहीं बोलती, जाओ। अरे पगली लड़की, किशन बाहर का कहाँ है? तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी और इसके पिताजी खास दोस्त हुआ करते थे, और इसी रिश्ते से तो मैं आपके पास आया हूँ चाची। अच्छा किया बेटा। पर बेटा, तुम करते क्या हो? चाची, मुझे आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर की। हाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब जंगल का रखवाला। अभी समझी, जंगल खाते के जमादार। अरे माँ, जमादार नहीं, ऑफिसर। हाँ ठीक है, जमादार। और मेरी पोस्टिंग भी बाजू के जंगल में हुई है चाची। तो बहुत अच्छी खबर दी तुमने। आता हूँ। राधा, क्या बात है, तुम बोलती नहीं हो। मैं ही कब से बड़बड़ कर रही, तुम जवाब ही नहीं दे रही। जाने दो ना कृष्णा, अरे कल तो गजब हो गया। क्या हुआ? अरे मैं गांव में साइकिल लेके घूमने निकली थी। तो फिर? और फिर मेरी साइकिल का पंक्चर हो गया। अरे रे, और वहाँ वो पान के पट्टी पे मवाली रहते हैं ना, उन्होंने मेरी मस्करी करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे एक लड़का आया और उसने ऐसी फाइटिंग की। मैं तो डरी गई और सीधा घर पर भाग गई। और थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वो लड़का मेरे पीछे पीछे मेरे घर आया। और तभी मुझे पता चला कि वो मेरे बचपन का मित्र कृष्णा है। मैं तुम्हें बुलाने आई थी तब वो वहाँ बैठा था, वही तो नहीं? हाँ वही। उसको जब मैंने मेरी माँ के साथ बैठा हुआ देखा ना, तब मुझे पता चला कि इसने मेरे पराक्रम के बारे में माँ को बताया होगा। और डर के मारे मेरा दिल धक 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 करने लगा था। देखो ना, अभी भी हो रहा है। एक धक धक तो डर का नहीं, प्रेम का लग रहा है। ए राधा, राधा, मैं, ए राधा, ये बात सब जाने दो। मुझे भी पता है कि तुम गुड्डू के
बाद मिले हुए हो। अरे कैसी बेकार की बातें करती हो तुम। एक तो तुझे गुंडे से चंगुल से मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे मिला हुआ कहती हो। मैं रही हूं। छोकरियों पे इंप्रेशन मारने के लिए बहुत से लड़के ऐसा ही सीन क्रिएट करते हैं। मैंने फिल्मों में देखा है। मेरी भूल थी कि तुम्हारे पीछे चलते चलते मैंने इतना टाइम बर्बाद किया है। अभी भी देरी नहीं हुई है। चलते बनो, चलते बनो। चलता बनू? ठीक है, जाओ जाओ अभी। ठीक है, चलता हूँ अभी। अरे राधा, ये तुमने क्या किया? बेचारा तुम्हारे साथ दो मीठी बातें करने आया था, तो तुमने इसे फटकार दिया। क्या, पूरे गांव के बीच में मुझे कपड़ों के बारे में धमकाया तभी कुछ नहीं? अरे तुम तो बिल्कुल पगली हो। आंखों में प्यार का इकरार है और ऑटो से इनकार क्यों करती है? जा उसके पीछे जा और तुम्हारे दिल को धड़काने वाले को रोक ले। अरे जा, अरे जा। जी।
छोरी मुझे मीठी लगे, तू मुझे मीठा लगे, छोरी मुझे मीठी लगे, तू मुझे मीठा लगे, छोरी मुझे मीठी लगे। आराम खोर, पाँव दबाना भी नहीं आता, खाना नहीं खाया क्या? हाँ सरकार, दो घंटे से पाँव दबा रहा हूँ इसलिए थक गया हूँ। नायक टाइम की गिनती करता है। सरदार, आपके बेटे आपको मिलने नहीं आते, इसका गुस्सा इस गरीब आदमी पे क्यों निकाल रहे हो? मुंह बंद रख जीवला, तेरे मुंह से मेरे बेटों का नाम नहीं आना चाहिए। सरदार, ये बच्चे तुम्हारे शादी के बाद वाले हैं या पहले वाले? तेरी तो अब मैं तुझे मार दूंगा। मार डालोगे क्या? छोड़ दे इसे। अभी तुम्हारी 4 साल की सजा माफ हुई है, और इसे कुछ हो गया तो फिर से सजा होगी। जा। माफ करो मुझे ठाकुर साहब। सरकार इसे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे पैसे के लिए तो मैं अपने बाप को भी माफ नहीं करता हूँ, और इसके पास से तो मुझे चरस और अफीन के पैसे वसूल करने। बोल कब देगा? बोल। मैं दे दूंगा। बोल कब देगा? बोल। मर्दों को बर्बादी के रास्ते पर लाकर तुम औरतों पे दादागिरी करने आए हो? ओहो, तो अब तू मर्दानगी पे उतर आई है। जा यहाँ से, यहाँ लड़कियों का कोई काम नहीं है। औरतों के जात को कमजोर कभी भी मत समझना, समझे? क्यों, माथे पर का ये निशान भूल गए क्या? और अभी अगर तुमने ज्यादा मत्थाकुट की ना, तो एक ही झटके में तुम्हारे धड़ पे से माथा उड़ा दूंगी, समझे? ये अच्छी तरह याद रखना, समझे? कनक बेटा, किस लिए चिल्ला रही? सरपंच काका, देखो ना, जब तक ये हरामखोर जेल में नहीं चला जाए, तब तक ये ऐसे लफड़े होते ही रहेंगे, समझा दो इसे। ए करसनिया, तूने वापस गुंडागर्दी चालू कर दी? देख, तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ, बंद करते रहिए गोरख धंधे, नहीं तो पुलिस में और न्यूज पेपर में तेरा फोटो दे दूंगा, तो मुश्किल में आ जाएगा, समझा? चल चलता बन यहाँ से, चल जा। अब इन लोगों का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ठाकुर साहब, ओहो हो, ठाकुर वीरभद्र सिंह, आप यहाँ? जय माता दी। सरपंच, ये कैसी मगजमारी चल रही है? अरे करसन बेवड़ा, पूरे गांव का पनौती दारू का धंधा करके गांव के लोगों को बिगाड़ता है। तब लिखा दो FIR। वैसे वो लड़की कौन थी? बहुत हिम्मत वाली लड़की है। कनक राधा नाम है उसका, आपके मित्र थे ना जसू भाई, उनकी बड़ी बेटी। जसू भाई की लड़की? हाँ। ओहो, सरपंच जी, लड़की का स्वभाव कैसा है? पूरे गांव की नाक है सरकार, इससे ज्यादा क्या कहूँ आपको? ठीक है, मुझे बस इतना ही जानना था। मेरे बेटे अर्जुन की पसंद एकदम सही है, तो चलो अब जसू भाई के घर पे। चलिए चलिए, आइए बैठिए। तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे ना? पक्का, 120% पक्का समझो सरकार। ऐसा घर और ऐसे खानदानी संस्कार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा, आज जसू भाई और मेरी दोस्ती रिश्ते में बदल गई है। आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ के आज मुझे बहुत खुशी हुई है। बाबू सरकार, अब आप इसे बहन मत कहिए। तो फिर समधन जी कहने का। मेरी बेटी की नसीब बहुत अच्छी है। हाँ। जिसे आपके जैसा घर मिला। काश कनक के पिता जिंदा होते तो सारे रस्में वही पूरा करते। ये क्या? देखो बहन, दहेज और लेन देन की बातें वो लोग करते जिसके बेटों में कमाने की ताकत ना हो, और संसार की मटकी भी अंदर से खोखली होगी। जबकि भगवान की दया से आपके इस समधी का सब अच्छा है। कनक बेटी के सिंदूर से लेके पांव की जूती तक सब हमारे घर का ही होगा। वाह भाई वाह, जितना बड़ा घर उतना ही बड़ा दिल है इनका। और दहेज में कुछ देना ही चाहते हो तो इस घर की खानदानी दे देना।
वाह भाई वाह। भाभी अब राह किसकी देख रहे हैं? करो पीले हाथ, नारियल और 100 रुपया दे दो भाई साहब के हाथ में। हाँ हाँ जा तो बेटा, अंदर से थाली लेके आ। हाँ लेके आती हूँ। भाई साहब अब जल्दी मुहूर्त निकलवाओ और शहनाई बजवाओ। हाँ मैं जाके मुहूर्त निकालता हूँ। हाँ बेटा लाओ। लीजिए सरपंच जी, बड़े होने के नाते आप इस श्रीफल और इस 100 रुपये शगुन के तौर पर लीजिए। कनक बेटा इधर आओ, आओ आओ, बड़ों का आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी। हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब तक। नहीं, पहले कनक का शादी हो जाए, उसके बाद हमारा। फिर उसके बाद फिर एक बात पूछूं, तेरी बड़ी बहन कनक की शादी की बात पक्की हो गई, उससे तू खुश है? खुश तो बहुत हूँ। इतने बड़े घर पे शादी जो होने जा रही है, जमींदार भी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और तेरी माँ? वो भी बहुत खुश है। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी माँ को कनक से ज्यादा प्यार है, तुझसे थोड़ा कम लगता है। ऐसा कुछ नहीं। तो फिर तू मुझे ये बता कि कनक की शादी तय कर ली पर तेरी और मेरी शादी की बात क्यों नहीं की? मुझे लगता है कि वो तेरी सगी माँ नहीं है पर सौतेली माँ है। किशन कान छोड़। नहीं छोड़ूंगी। बताओ तुमने ऐसा क्यों बोला? तुम्हें पता नहीं मुझे कितना? अरे यार जान तो मेरी चली गई थी। जब से सुना है तेरी माँ ने कनक की शादी बड़े जमींदार के घर में कर ली है, तब से एक डर मेरे मन में बैठ गया है। कल उठ के तेरी शादी भी किसी बड़े घर में कर दी तो मैं तो रखट जाऊंगा यार, समझी कि नहीं? इसलिए स्वार्थी हो रहे हो ना? मजाक कर रहा था यार, जाओ तुम। कुछ नहीं, देख मैं अपने कान पकड़ कर माफी मांग लेता हूँ, बस माफ कर दे। एक माफ कर दे, 70 माफ कर दे, 75 बस करना। अभी फिर ऐसा मत करना है, मेरी जान जलती है तुम्हें पता है ना? नहीं करूंगा, माफ कर दे बस। अरे कनक, मैंने सुना है जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है वो अंधा है। अरे मैंने तो सुना है लूला लंगड़ा है। अरे वो तो जन्म से ही ढेंगा है। अरे लूला लंगड़ा जैसे भी हो, मेरी माँ और सरपंच पता ने नक्की किया है, इसलिए अच्छा ही होगा। अरे देखो तो जरा, शादी से पहले इसका नखरा शुरू हो गया, ऊपर से रबब दिखा के भी चली गई। जाने दे। सुनती हो, ये धर्मपुर गांव का शिव जी का मंदिर यही है ना? हाँ वो तो इधर ही है, पर आप कौन? गांव-गांव घूमता हुआ परदेशी हूँ।
अरे ये तो वही है, पूनम के रात को गरबा में मिले थे, तेरे पीछे पागल हो गए थे ना, वही है। क्या हुआ भाई, ये मंदिर में क्या ऐसा काम पड़ गया? ये तो मैं भगवान को ये पायल पहनने वाली का पता पूछने आया हूँ। ये आपको पता नहीं है, मैं कितने ही समय से गांव-गांव घूम के जो मिलता है उन्हें सबको पूछता हूँ कि कौन है भाई ये झांझर पहनने वाली, और इस पायल पहनने वाली का पता मुझे मिल ही नहीं रहा। लगता है अभी मिलाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, क्या मिलेगी, मैं जिसे ढूंढना चाहता हूँ ना उसे ढूंढ के ही रहता हूँ, तुम मुझे अभी तक जानती नहीं हो। तो फिर तुम अपने बारे में कुछ कहो ना। बोल दूं? विलासपुर वाले ठाकुर भद्र सिंह का लड़का अर्जुन। अर्जुन सिंह ठाकुर? अरे कनक, जिसके साथ तेरी शादी तय हुई ये वही है। अरे अरे तू कहाँ भाग रही है, भागना तो हमें है, तुझे तो वही रुकनी है, समझी? ए चलो चलो सब चलो रे। अरे अब तो कहो ये झांझर पहनने वाली मुझे मिलेगी या नहीं। मतलब हमारी ये पायल आपने चुराया था ना? तुमने मेरा दिल ले लिया इसलिए मैंने तुम्हारा झांझर ले लिया। इसका मतलब मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हारे पिताजी ने सरपंच चाचा के साथ मेरे घर पे तुम्हें ही भेजा था ना? तुझे पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। क्यों, मुझ में ऐसा क्या देख लिया तुमने? अरे सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो। ए, सच बात कहूँ कनक, तेरे बिना जो मेरे हाल हुआ है ना वो तुझे पता नहीं है। ए, ए, अब तो हमारी शादी होने वाली है, फिर ऐसे दूर क्यों? अब इतना जल्दबाजी किसके लिए, जो भी होगा शादी के बाद। चल दूसरी बात जाने दे, पहले तो मुझे ये तो कहो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। ए, बोलना, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? देख यदि ऐसा करेगी तो मैं चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। चला जाओ, चला जाओ, आखिरी बार कहता हूँ चला जाओ।
तेरी भोली सी सूरत दिल में मेरे क्या क्या सपने दिखाए, तेरी भोली सी सूरत दिल में मेरे क्या क्या सपने दिखाए, तेरी काली काली आंखें मेरी चैन चुरा ले जाए, क्या बोलूं तुझे दिल की बातें, अरे क्या बोलूं तुझे दिल की बातें, कमर तू जब लचकावे देखूं जब तक दिन भर तुझको चैन मुझे ना आवे, तुझ पे ये दिल आ गया, तुझ पे ये दिल आ गया। खेत में जमता चौराहे पे नहीं। अरे ये तो बता, अब ये भैंस किस लिए? खामोश, चली को आग कहते हैं और बुझी को राख। जिस राख से बारूद बने उसे अमथा लाल कहते हैं, समझे? अरे ये तो बता, ऐसा क्यों कर रहे तू? कभी डिस्को में जाए, कभी होटल में खाए, कभी डिस्को में जाए। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। एक गोली मार भेजे में, भेजा चोरी करता है, भेजे की सुनेगी तो मरेगी चंपा। छोड़ मुझे मेरे बापू को खाना देने जाना है। पिताजी, अरे कहा उसका नाम ले लिया पिताजी का, वो खाना खाने लायक नहीं है, वो तो लात खाने लायक है। हाय हाय, मेरे बापू को तूने ऐसा बोला? बापू कौन है बे? ए ससुर जी, मेरा कोई नहीं ससुर जी। कौन ससुर, किसका दामाद? हट काली कमाई। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरा कहना। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी अमथा लाला के साथ, दुल्हन तो जाएगी अमथा लाला के साथ। चल चल, बराती आ गई है, बराती आ गई है, चल भाग चल।
बाबू सरकार, ये कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष के लिए साड़ी और पगड़ी भेंट देने की है, इसलिए आपके परिवार में से किसी को भेजो, उससे पहचान भी हो जाए और भेंट भी दे दी जाए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। हाँ चलिए चलिए आइए, जान पहचान भी हो जाएगी। हाँ जी आइए, चलो लीजिए कन्या पक्ष की तरफ से पगड़ी भेंट लीजिए। अब किसे भेंट देने की बाकी है? निर्मला बहन की लड़की आई है वो। अलका बहन यहाँ आइए। अरे छोटे बोल बड़े, ये भेंट किस लिए? हमारी मजाक उड़ाने के लिए? अब वापस थोड़े कर सकते हैं। अभी रहने देना, यही तो मौका है उसकी इज्जत उछलने का। चल चल, आज इस करोड़पति को एकदम पायमाल कर देते हैं। चल भेंट दे रहे हो कि मश्करी कर रहे हो? हाँ हाँ, पगड़ी के नाम पे ऐसा कपड़ा देके क्या मेरी इज्जत उछाल रहे हो? भूपेंद्र, प्रसंग का महत्व समझ के अपनी मर्यादा में रहो। अरे वाह, एक तो हमारा अपमान कर रहे हो और ऊपर से हमें मर्यादा में रहने का कह रहे हो। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी तुच्छ भेंट। ये लो ये लो। बस बस बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जाते हैं। अबे चल छोटे, ऐसे लुखे लोग के साथ मिलके खाना, उससे तो अच्छा है कि उस कर्सन के साथ मिलके पहली धारका मारते है। चल औकात नहीं है चाराने की, बात करता है बाराने की। ना लाख लो। अरे शादी में ऐसे बेकार की बहस करते हैं सारे सब। देख लिया ना छोटे, छोटी छोटी चीजें, ये घर के बच्चे घंटी चाटे और पड़ोसी को मिले आटा। हाँ हमारे चाचा ने वो दूर के रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी भेंट सौगात दे दी और हमें एकदम से सड़ी हुई पगड़ी। अपना तो सारा नसीब ही खराब है। अबे चुप कर, वो चाचे का तो मैं चिथरे उड़ा दूंगा चिथरे। बड़े जोश अरमान से बेटे की शादी करने चला है। हाँ अरे शादी तो पहले मेरी होनी चाहिए, मेरी। पर कैसे? क्यों, हमारे बापू उस चाचा से बड़े कि नहीं? हाँ। उनका बड़ा बेटा मैं। हाँ। इसलिए शादी तो पहले मेरी ही होनी चाहिए। शांति रखो शांति रखो शांति। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो, यह मैं जो बैठा हूँ। अबे करसन, क्या तुझे पता है? क्या? पैसे के लिए मेरे बाप ने अपनी माँ का खून कर दिया था। अरे भाई चिंता किस लिए कर रहे हो, बापू को छोड़ कर आने दो। अरे तुम्हारे पिताजी छूट के आएंगे तब की बात, तब। अभी तो ये लो पियो पियो जियो और मजे करो। पहली बार कहता हूँ, सुनती हो कि नहीं? अरे रुको रुको, जरा रुक जाओ। हाँ रुको जरा, अभी तो कुछ रस्में बाकी है। क्यों रस्में बाकी है? एक मिनट, ऐसा कुछ चलने वाला है क्या? देखो आज मेरी सुहागरात है। हाँ? और इसके साथ मैंने शादी की है, भगा के थोड़ी ना लाया हूँ। अभी ये सब बातें रहने दो, असली बात करो। अब कौन सा नया रिवाज है? अरे रिवाज यही है अर्जुन भाई, सबसे पहले तुम दोनों को कुल देवी के मंदिर जाना है। हाँ। उसके बाद पूजा पाठ करना है और कुछ रस्में भी पूरा करनी है और गरीब को दान भी देना है। ये सब करने के बाद भले तुम स्वागरात बनाओ या स्वाग दिन बनाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ओ हो, अभी इतना कुछ करना है मुझे? हाँ, फिर
पर सुन लो, मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। आपको जो करना है वो करो। अरे तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। क्या कर रही हो? अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे मुझे यहाँ रुकने दो भाई। भाई हाँ, ये हवेली को क्यों सजाया है? इस हवेली के मालिक वीरभद्र सिंह के बेटे अर्जुन सिंह की शादी थी, उसी खुशी में सजी है। अबे करसन, ये तो कौवा रोटी ले गया और तू हाथ घिसता हुआ रह गया। अबे करसन, ये तो तेरे बदले वो गधा अर्जुन सुहागराज बनाएगा कनक के साथ। किसी भी हालत में उसकी सुहागरात नहीं होने दूंगा। कनक, कनक मेरी थी। कनक मेरी थी और कनक जिंदगी भर मेरी रहेगी। गिर गया। पिताजी, पिताजी आप आ गए? नालायकों, जेल में तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें सूख गई और तुम यहाँ बैठे बैठे दारू ठूस रहे हो। हराम खोरो, शर्म नहीं आती? पापो, बड़े भाई को मैंने कितनी बार समझाया पर मानते ही नहीं। नालायक, झूठ बोलता है। तूने कब कहा था? क्या तूने सपने में आके कहा था? चुप करो गधो, चुप करो। तुम्हारे ऐसे गधों जैसे व्यवहार से सब कुछ हाथ में से चला जा रहा है। भूपेंद्र, तूने वीरभद्र के पास जमीन की मांग की थी कि नहीं? अरे बापू, सिंह की गर्जना सुन के सियाल कभी बाहर आते? अरे हम तो बहुत बार जमीन मांगने गए थे पर वो बाहर नहीं निकल रहा था। नालायको, तुम्हारे बाप को मूर्ख समझते हो? नागेंद्र नाम है मेरा, नागेंद्र। सांप से भी ज्यादा खतरनाक, नाग से भी ज्यादा जहरी। जिसे मेरी एक फूंक लगती है वो मरने से पहले पानी भी ना मांगे। सालाओ, इस जमीन के लिए मैंने अपनी मां को भी नहीं छोड़ा। सौ सौ दिवालियां जेल में निकाल डाली उस जमीन के लिए। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कौन? अरे बापू, ये तो मेरा पुराना दोस्त है, अर्जुन की जो बीवी है कनक, उसका पुराना आशिक दर्शन बेवड़ा है। हाँ, शाबाश मेरे सबूतों, शाबाश शाबाश। 16 साल में तुमने ये एक ही काम किया है, वो भी अक्ल के साथ। तुमने दर्शन की दोस्ती रखी है तो अब देख लो नागेंद्र के काले भेजे की। अखंड सौभाग्यवती भव, बहुत बहुत खुश रहो। अर्जुन बेटे, शाम को अंधेरा होवे उसके पहले आ जाना। जी पिताजी, जाओ। आयुष्मान भव। अर्जुन बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। कैसे हो वीरेंद्र? अरे तेरे बाप की तरफ क्या देखता है? मैं तेरे बाप का बड़ा भाई हूँ, नागेंद्र नाम है मेरा, नागेंद्र। आज से
बड़े पापा कहना मुझे हा? जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। तुम लोगों को देखकर बहुत आनंद हुआ। मुझे लगता है कि मेरा छोटा भाई अभी भी मुझसे खुश नहीं है, पर मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे अर्जुन, कि तुमने मेरे बेटों के साथ भाईचारा रखा। अर्जुन जी पिताजी, बातें आने के बाद करना। रिवाज के मुताबिक सहरे की गांठ छोड़ना, मंदिर जा रहे हो? जी ताऊजी। बढ़िया, फिर बहू को लेकर हवेली पे जरूर आना। जी अर्जुन, देरी हो उससे पहले निकलो, शाम को जल्दी आके देवी माँ के पैर पड़ के गरीबों को कंबल भी बांटने हैं। जी पिताजी, तो जाओ। चलो भाभी। वीरू, वीरू, मुझे तेरे साथ कुछ बात करनी है। बंद कर तेरी बकवास और चला जा यहाँ से। मुझे तेरे कपड़ों पे अभी भी मेरी माँ के खून के छींटे नजर आ रहे हैं। भाई, मुझसे जो गुनाह हो गया है उसकी सजा भी मैंने भुगत ली है, इसलिए भूतकाल को भूल जाओ। भूल जाओ, भूल जाओ कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तूने मेरी माँ को मार डाला। भूल जाओ कि जिसके पेट से मैंने जन्म लिया उसे बचा भी नहीं पाया। ये बात तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। वीरू, ऐसी कड़वी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। चल अब शांति से बैठकर जमीन का फैसला कर लेते हैं। फैसला? कौन सी जमीन का फैसला? फूल कुंवर मानसिंह ठाकुर की उस जमीन का फैसला। एक बात ध्यान से सुन ले वीरभद्र ठाकुर, वो जमीन में किसी भी संजोग में लेकर ही रहूंगा। मेरी माँ के कातिल के साथ मुझे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तेरे साथ या तेरे बेटों के साथ आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रखना है। चला जा यहाँ से। और याद रखना, दोबारा इस जमीन की बात भी मत करना। ये समाधि मेरी दादी की है, और ये जमीन देख रही है ना, ये सब मेरी दादी की है, और इन सारी जमीन का मैं वारिस हूँ। जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक देखो, इन तमाम जमीन का हम अकेले ही वारिस है कनक, हम अकेले ही वारिस है। एक बात पूछूं कनक, मैं जब नहीं रहूंगा तब मुझे याद तो करेगी ना? ऐसा मत बोलो, अभी तो कल ही हमारी शादी हुई है और जन्म जन्म के साथी बने, और आज ही। अरे कनक, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पागल, अब तो मुझे बहुत अच्छे से जीना है, और ये पुस्तों की जमीन ये तो हमें ही संभालनी है ना। पर एक मुश्किल है। मुश्किल? कैसे मुश्किल? देख, इतनी बड़ी जमीन, हवेली, इन सबको संभालने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ। तो फिर क्या करना है? एक काम हो सकता है, यदि तुम मुझे मदद करो तो। वो कैसे? इतने बड़े कारोबार संभालने 10-15 बच्चे तो चाहिए ना। जाओ जाओ बेशरम। अरे उसमें मैंने गलत क्या कहा? देख कनक, बेटे आएंगे, बड़े होंगे और हमारी सारी जवाबदारी संभाल ले। अरे खेतों में लहराते होंगे फसलें, खेतों पे लहराता हुआ वो फसलों को काटता हुआ हमारा परिवार कितना प्यारा दिखेगा तुम्हें पता है? ए विक्रम सिंह के बापू, कहती हूँ सुनते हो क्या? अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हा? ये सपने में से बाहर आओ, आज तो हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है। घर जाने में रात हो जाएगा तो बापू जी नाराज हो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। बापू सरकार, खाने का समय हो गया आपका, चलिए खा लीजिए। नहीं बेटी, थोड़ी देर के बाद। आहा, लगता शादी से थक गए हो। नहीं बेटे, बहू आने के बाद इस सुनी हवेली को अपनी झांझर से झनका के मोहित कर दिया है, उस झनकार को सुन। हाँ बापू, भाभी के आने के बाद हवेली पे रौनक आ गई है। हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है, अभी बस तेरे शादी कर दूँ तो तेरे बाप को दिए हुए वचन से मैं मुक्त। मेरी शादी बाद में, पहले आ...
आप देख लो। क्या मैं शादी कर लूं? हाँ। अरे पगली, तू मेरी शादी करना चाहती है? अरे बापू, आप कहाँ बुड्ढे हो गए हो, 50 साल में भी इंसान जवान रहता है। तेरी बात सही है, मेरे बापू ने भी मेरी उम्र में दूसरी शादी की थी। हैं? लो, कनक भाभी भी आ गई है। अरे बहू बेटा। जी बाबूजी। अर्जुन सिंह कहाँ है? वो तो गरीबों को दान देने गया है, आते ही होंगे। ओहो, फिर से इस बिजली की मगजमारी शुरू हो गई। आप चिंता मत करिए, मैं मोमबत्ती जला कर लाती हूँ। ठीक है, और सुनो, अर्जुन सिंह आएगा तो मुझे बोल देना। जी बाबूजी। ये लो चाचा जी। जुग जुग जी सरकार। चाचा जी, हमारी ओर से ये आखिरी दान है। ऐसा क्यों बोल रहे हो ठाकुर? जीवा चाचा, अगले साल दान पुण्य करने मैं नहीं आऊंगा। क्यों सरकार? भिखा भाई, अगले साल मैं नहीं आऊंगा, पर तुम्हारी छोटी सेठानी आएगी। वाह, क्या खानदान है, ऐसे पुण्यशाली आत्मा ने सो धरती को टिका के रखा है, नहीं तो रावण कहाँ काम है इस संसार में। चलो फिर निकलता हूँ। हाँ, आते रहूंगा। छोटे ठाकुर, बहुत दान पुण्य करके आ रहे हो, मुझे भी कुछ दे दो। पर अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये लो, ये अंगूठी रख लो, और अगर ये कम लगे तो कल हवेली से आके ले जाना। कल तक इंतजार कौन करेगा ठाकुर? अरे पकड़ो। अरे भाई। हाँ? क्या हो गया, किसलिए भाग रहे हो? किसी आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा है? हाँ, अभी भी मेरी जीप के साथ एक आदमी टकरा कर भागा है, पर क्या किया उसने? साहब, वो आदमी छोटे ठाकुर का खून करके भागा है। क्या? हाँ जी। एक काम करो, तुम वहाँ से पीछा करो, मैं उस तरफ से जाता। अच्छा ठीक है, जल्दी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या बात है? छोटे ठाकुर को किसी ने खंजर मार दिया। मारो इसे, मारो, ढूंढो, बच्चे जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाने नहीं पाए। पेट्रोल, ये क्या कर रहे हो? ओ नहीं, आई, नहीं, बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हो गया? नहीं, मुझे छोड़ के जा सकते? इसे क्या हो गया बाबूजी? नहीं कनक, नहीं कनक, मेरे पास समय नहीं है। नहीं नहीं, देख कनक, मेरे पिताजी का ध्यान रखना। नहीं नहीं बेटे, और उनकी सेवा नहीं, करना। बेटे, ऐसा मत कहो,
मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चल तू मेरे साथ दवा खाने। मैं जा रहा हूँ कनक, मुझे बेटे मेरे बच्चे, मेरे छिड़की के टुकड़े, ये कहने का मतलब है? खरीद के लाया, झूठ बोल रहा है? पूछ ले इससे, ये लेके पैसे दे दिए? अरे तू सच बोल रही है? दोबारा मेरे इलाके में नजर आया? मेरा नाम तुम्हारा भोपाली है, ऐसी नहीं है कपड़े पार के, समझ गया? दोबारा मेरे मत आइयो, समझे? इलाका, अबे इलाके कुत्ते बिल्ली के होते हैं, शेर के नहीं। अरे अंधा, तू इधर क्या कर रहा है? जा जल्दी घर जा, तेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गया, आखिरी सांस ले रही है। तू जल्दी घर जा, मैं बापू को लेके आती हूँ। अरे जा ना। पिताजी संभालो अपने आप को। बापू सरकार, आपको और आपके बेटे अर्जुन सिंह को किसी के साथ झगड़ा या किसी के साथ दुश्मनी है, ऐसा आपको कुछ याद है? झगड़ा तो सिर्फ मेरे बड़े भाई नागेंद्र के साथ है। किसके लिए? मेरी जमीन के लिए। जर, जमीन और जोरू तीनों झगड़े की जड़ होते हैं। आपकी तारीफ नागेंद्र, नागेंद्र नाम है मेरा, अभी भी आपकी बात हुई, अच्छा हुआ आप आ गए। बोलो आपका क्या कहना है इस खून के बारे में? मैं तो ये कह रहा था कि सारे खून जमीन के लिए ही नहीं होते, कहीं पैसे के लिए भी खून होते हैं तो कहीं स्त्री के लिए भी खून होते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन सिंह का खून उसकी कनक के साथ तुरंत शादी के बाद ही हुआ है, इसलिए कदाच खूनी अर्जुन का दुश्मन हो सकता है, या मतलब तो अथवा तो खूनी कनक का यार दोस्त या पुराना प्रेमी भी हो सकता। बस बंद कर अपना ये बकवास, मेरे गांव की लड़की की चरित्र पर उंगली उठाई तो तुम्हारा हाथ काट के फेंक दूंगा। मेहरबानी करके आप शांत रहो, मुझे मेरा काम करने दो। किशन भाई, आप तो खूनी के पीछे दौड़े थे ना, तब तो आपने खूनी को देखा होगा ना? इंस्पेक्टर, उसने उस वक्त कंबल ओढ़ा हुआ था और अंधेरा बहुत था, इसलिए उसका चेहरा बराबर देख नहीं पाया। उसको पकड़ने के लिए हम दोनों के बीच में बहुत हाथापाई भी हुआ और अचानक मेरे सर पे किसी ने फटका मारा और मैं बेहोश हो गया और भाग गया, इसलिए कि खूनी को किसी ने देखा नहीं है। फिक्र मत करिए बापू सरकार, हम खूनी को ढूंढ के ही रहेंगे। किशन भाई, आप ऐसा करो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ पुलिस चौकी चलिए। आइए पिताजी, मैं जाकर आता हूं। वीरू, तू फालतू में शक कर रहा है, उसके ऊपर सोच के देख के, अर्जुन का खून कनक के साथ शादी होने के बाद ही हुआ है। और अर्जुन का खून तेरे जेल से आने के बाद ही हुआ है। सीता, कनक से कहना उसकी माताजी उसे लेने आई है। जी बाबूजी। सम्मन जी, कुछ मत कहना, विधाता का लेख और कुदरत की करुणता के घाव पे शब्दों के मलम का कुछ असर नहीं होगा। समधन जी, इस पृथ्वी पे सबसे वजनदार चीज कौन सी है आपको पता? एक पिता के कंधों पे उसकी पड़ी हुई बेटे की अर्थी। अरे जो उठा भी नहीं पाता हूँ और रख भी नहीं पाता हूँ। समधन जी, बेटी चुप हो जा बेटी, ये सब क्या हो गया है? ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ है? अभी तो मैं स्वागत के सुख पूरी तरह भोग नहीं पाई। इतने में ही मैं कभी साहब ने मेरे स्वागत के सिंदूर
उठा दिया। क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया। क्यों? ये मेरे सपनों का संसार पल में ही आज बिखर के रह गया है। संसार सुना हो गया मेरा। बेटी चुप हो जा, बेटी चुप कर। भगवान के ऊपर किसी का नहीं चलता बेटा। संबन जी, हमें आज्ञा दीजिए, हो सके तो मेरी बेटी को माफ कर दीजिएगा। इसके आने से आपके घर अंधकार हो गया है। ये क्या, कनक अकेली आपकी ही नहीं मेरी भी बेटी है, मेरा एक लौता आधार। बाबूजी, उठ बेटा, उठ। चल चल बेटी। बेटे मुझे माफ करना। अबे ओ बहादुर, कर दे कुएं का पानी बंद। पूरे गांव के किसान लोग अपना पानी वापर रहे, जैसे पानी फुकट पे आता होगा। हाँ बड़े भाई, ये लो, ये हो गया पानी बंद। पानी तो बंद हो गया, अब घर की बारी, आ जाओ। हाँ चलो। हाँ क्या हुआ? अरे बापू सरकार, आपने पानी क्यों बंद कर दिया? क्यों, ये कुआ क्या तेरे बाप का है? आज के बाद तुम लुखों को इस कुएं का पानी नहीं मिलेगा। पर सरकार, छोटे सरकार तो हमें पानी देते थे। तो जाओ उसके पास ऊपर और ले आ उसके पास से पानी। ऐसा नहीं चलेगा सरकार, ऐसा नहीं चलेगा। अबे डेढ़फुट, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, समझ गया? वरना जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के अंदर डाल दूंगा, समझा? ये कुआ सरकार का है, जब तक उसका हुक्म नहीं आएगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ए, तेरी तो। भूपेंद्र, क्या बात है? सरकार, आपके बच्चों ने खेतों का पानी बंद कर दिया है। तुम्हें पता होता है कि नहीं, इन गरीब किसानों को परेशान करते हो। तुम तुम्हारे जितना पानी चाहिए उतना ले लो, बिल्कुल ले लो, जाओ और मजे करो। राम राम। नमस्ते बापू। नमस्ते। नालायकों, मेरे किए किराए पर पानी फेरने बैठे हो। तुम्हें पता नहीं है कि रानी साहिबा की वसीयत के मुताबिक ये जमीन उनके पौत्र अर्जुन की थी। अब अर्जुन के जाने के बाद ये जमीन उसकी विधवा कनक की हुई है। वो इस जमीन पर हक जमाने के लिए तुम्हें अर्जुन को शादी के पहले ही निपटा देना चाहिए था। अब जल्दी मत करो, कनक के बारे में सोचो। कनक, बहन, बहन, थोड़ा खा लो। थोड़ा खा लो ना। नागेंद्र, तू यहाँ? हाँ वीरू, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ समाधान करने आया हूँ। इसमें भी मुझे तेरी चाल लगती है। तुझे सारी बातों में चाल दिखती है? देख वीरू, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा बुरा मैं कभी नहीं सोचूंगा। मूर्ख, थाली चाचा के चरणों में रख,
और पांव छूकर आशीर्वाद ले ले। चाचा जी प्रणाम। बस बस बस, क्या बात है ये बोल। वीरू, अर्जुन की बीवी कनक को तू अर्जुन जितना ही प्यार करता था ना, बराबर है ना? हाँ। आज अर्जुन ये दुनिया छोड़कर चला गया, इसलिए कनक भी ये हवेली छोड़कर चली गई, बराबर है ना? और उसके लिए तू बिल्कुल उदास हो गया है, बराबर ना? हाँ। तो तेरी उदासी दूर हो जाए, कनक भी वापस आ जाए और हवेली फिर से रोशन हो जाए, इसलिए हम शादी करवा देते हैं। शादी? किसकी शादी? कनक और उपेंद्र की। क्या हत्यारे, निकल जा मेरे घर से। आज बोला सो बोला, दूसरी बार ऐसा विचार मन में भी लाया तो जान से मार दूंगा। तू है कौन? कनक बेटी का हाथ मांगने वाला? नागेंद्र नाम है मेरा, नागेंद्र। सांप से भी ज्यादा खतरनाक हूँ, सुन ले वीरेंद्र। मैं जाऊंगा कनक के माँ के पास और मांगूंगा कनक का हाथ। खबरदार लड़की, खबरदार। तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे घर की थाली को ठोकर मारी? अरे तेरी ये हिम्मत, तुम इस घर में शादी की बात करने आए हो? अरे छोड़ो पिताजी, ऐसी बकवास लड़की के साथ मुझे शादी नहीं करनी है, चलो अभी घर पे। ए खबरदार, अगर मेरे बेटी को कुछ बोला है तो। अरे तू है कौन इसके हाथ मांगने वाला? अरे तेरे जैसे आदमी को तो मैं बर्तन धोने में भी ना रखूं, हैं? अरे बुढ़िया, नागेंद्र नाम है मेरा, नागेंद्र। सांप से भी खतरनाक, नाग से भी ज्यादा जहरीला। जिसे मेरी फोंक लगती है वो मरने से पहले पानी भी नहीं मांगता। अरे जा जा फूंक मारने वाला, नाग जैसा डसना हमें भी आते हैं। अबे वो तो समय आने पे देखा जाएगा। ए उठा ये सब और यहाँ से निकल, जल्दी बाहर निकल। बुड्ढे, मैं इधर मेरे बेटे का शगुन लेकर आया हुआ था, ठोकर मारी हुई थाली को उठाने के लिए नहीं। ए सुनाई नहीं दे रहे मैं क्या बोल रही हूँ, चल निकल यहाँ से, ये सब उठा निकल यहाँ से। ए चलो बापू चलो, इन बकवास लोगों के मुंह नहीं लगते। अरे जा जा तेरी तो। पिताजी, जिंदगी में किसी लड़की ने पहली बार नागेंद्र के फन के ऊपर उसने हाथ रखा। हाँ पिताजी, वीरू काका की बात एकदम सच निकली। और तुम लोग सालों बूढ़ी गाय की तरह हो, वो साली उछल उछल कर हमको लात मार रही थी और तुम गूंगे ढोर की तरह खड़े थे। अरे पिताजी, आपको तो सभी जगह मेरी बुराई दिख रही है। चुप करो, तुम्हारी वजह से ही सारा खेल बिगड़ गया है। अब तो ऐसा दाव खेलना पड़ेगा कि कनक सामने से आकर अपने पांव में गिर जाए। पांव में? अरे तो फिर इंतजार क्या करना पिताजी, जल्लाद के जैसे टूट पड़ते हैं उस हवेली पे, मार के भगा देते हैं सभी नौकरों को और काला केर बरताएंगे, और फिर रह जाएगी सिर्फ वो हवेली और वीरभद्र चाचा अकेला। पिताजी, इस खेल का आखिरी दाव हम ही खेलेंगे और वो हमारे पीछे नाचेगी नाचेगी। अरे जाती कहाँ है सीता हराम खोर, नौकरानी होके घर की लड़की बन के बैठी थी। हाँ पर आज मैं तुझे हैसियत तेरी दिखा के ही रहूंगा। आजा वीरू चाचा की चमची, आजा। छोड़ो छोड़ो मुझे, आज नहीं छोड़ूंगा।
मैं कह रही हूँ छोड़ दो मुझे। जोटी कहाँ है चमची? अबे रुक, आज तुझे कौन बचाएगा देखता हूँ। आ जा मेरी रानी। ये ले। काट दिए ना हाथ। हाथ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। यहाँ कौन चिल्ला रहा है और ये दरवाजा किसने बंद किया? हाँ सीता, अरे ये हाथ किसने तोड़ दिए? भूपेंद्र और उसके भाई ने। भूपेंद्र और बहादुर नागेंद्र। मुझे मत मारो सेठ, मुझे माफ कर दो सेठ। देख लिया हमारे खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम? अरे इसका तो खाली मुंह तोड़ा है, पर तुम लोग में से किसी ने भी मेरे सामने सिर उठाने की जरूरत की ना तो उसे मैं जिंदा जला दूंगा। हाँ और हाँ, हमारे खिलाफ सरकार के सामने फरियाद मत करना, क्योंकि हम ही है सरकार, समझे? भाभी, अरे ये तुझे क्या हो गया? भाभी, नागेंद्र के दोनों बेटे हवेली पे हमला करने आ रहे हैं और तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं और गांव के लोगों को धमकी भी दे रहे हैं। ए, तू क्या बोल रही है? और मेरे हाथ पे तलवार मार मार के मेरे हाथ को भी तोड़ दिया है भाभी, और बाबूजी भी बेहोश हो गए भाभी। उस हरामखोर को तो मैं जेल भेज के रहूंगी। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, चल। हाँ चलो। कनक बेटा, तू कहाँ जा रही है? माँ, बापूजी बहुत तकलीफ में हैं। मुझे वहाँ पे अभी के अभी जाना बहुत जरूरी है। तुम मेरे फिक्र मत करो माँ। अरे पर कनक बेटा, कनक। बहू बेटी, हाँ बाबूजी, मैं आ गई हूँ। मैं बहू बन के तो इस घर में नहीं रह पाई, लेकिन बेटी बन के तो रह सकती हूँ ना। ऐसा क्या बोलती हो बेटी? अरे अर्जुन के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा हो बहू बेटी, मुझ अकेले को यहाँ छोड़ के मत जाओ, क्योंकि क्योंकि इस हवेली की दीवारें मुझे काटने तोड़ रही है। बापू जी, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं बेटे, मुझे इच्छा नहीं है। थोड़ा तो खा लीजिए। सच में कहूँ कोई मन नहीं है खाने का। बाबू जी, आज से सिर्फ मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, बेटा भी हूँ। माँ चंडी चमुंडा तुम्हारी इस बेटी के मन में बहुत शक्ति दी है। अब सारी चिंता छोड़ दीजिए और थोड़ा खा लीजिए। थोड़ा तो खा लीजिए बाबू जी। बेटी, मेरे लिए थोड़ा सा खा लीजिए। बेटी, आपको मेरी कसम। बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबूजी, नहीं।
अबे किसी के खेतों में पाँव रखने से पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए कि मैं तुम्हारे खेतों में आऊँ, क्यों? और अगर गलती से कोई आ जाए तो हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये इसको समझा देना। मेरे बेटे तुझे पूछ रहे हैं कनक, किस हक से तूने अपने पाँव इस जमीन पर रखे? थोड़ी भी शर्म नहीं है तुझमें? एक बार दरवाजे से भगाने के बाद भिखारी भी दोबारा नहीं आते, पर तू तो उससे भी गए गुजरे हैं। अबे मुंह संभाल के बात कर वरना। उपेंद्र, तूने मुझे भिखारी कहा तो आज ये भिखारी तेरी झोली में भेंट डालेगा। तुझे इस परिवार की रानी साहिबा बनना है ना, तो चुन ले इन दोनों में से किसी एक को पसंद और कर ले पैदा वंश का वारिसदार। इसलिए तो तेरे घर पर हाथ मांगने आए थे। आजा मेरी रानी। अरे जो मुझे मांगने से नहीं मिलता वो छीनने की आदत है मुझे। नालायक, अभी भी कह रहा हूँ कि मान जा नहीं तो। नागेंद्र, मेरे पल्लू खींचने से मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुझे। तू एक नागिन के सर से मनी चुराने की कोशिश कर रहा है। अरे जा, दिखा दे अपनी भविष्यवाणी जतिश को, तेरी मौत कनक के हाथों से लिखी हुई है। अबे मेरे सामने मेरी बापू के सामने जबान लड़ा रही है? अबे जबान खींच दूंगा तेरी पागल औरत। उपेंद्र, तू नागेंद्र को नहीं जानती। नागेंद्र की एक फूंक सामने वाले की मौत नहीं पर उसकी आत्मा को भी जला कर राख कर देती है। उपेंद्र, उखाड़ दे इस मंदिर को, उखाड़ दे। अगर तेरे जिगर में इतना ही दम है तो हाथ लगा के देख इस मंदिर को। हमारे बाजुओं में ताकत तो बहुत भरी हुई है, पर मैं तुझे समझाने आया हूं कि ये जमीन तेरे अर्जुन के नाम पे है, पर अब अर्जुन रहा नहीं है इसलिए अब ये जमीन उसके भाइयों के नाम पे होगी। अभी भी कहता हूँ कि हार स्वीकार लो, क्योंकि सुनी जमीन और सुनी स्त्री की कोई इज्जत नहीं होती। अभी भी समय है, हम दोनों में से किसी एक को चुन लो और घर बसा लो और पैदा कर लो तुम्हारा वारिस। अरे चलो बापू चलो, हमें इसकी कोई गरज नहीं है, ये खुद ही आएगी हमारे पास पाँव चला के अपने। चलो पिताजी। हाँ झोली फैला के भीख मांगती हूँ कि मेरी जैसी हालत
दुनिया में किसी भी स्त्री के साथ में ना हो। और तुम ही कहते थे ना कि कनक जहां तक तेरी नजर जाती है वहां तक सारे जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी है। तुम्हें पता है अपने दुश्मन बहुत साजिश करके सारे जमीन को हड़प लेना चाहते हैं। अभी हमें ये सारे जमीन का वारिसदार चाहिए। हर हालत में चाहिए मुझे, हर हालत में मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए मुझे। चुप क्यों हो तुम, बोलो जवाब दो, कहाँ हो तुम, मेरे बात की जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ से लाऊं बारिशदार? कनक, 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 अगर तुझ में हिम्मत है तुझे तेरा वारिस मिल जाएगा। समाज के रीति रिवाज को भूल के तू ऐसा कुछ कर ताकि वो वारिस तेरे खानदान से ही हो। पर कैसे? तेरा ससुर वीरभद्र सिंह को फिर से दोबारा शादी करा दे। हाँ? पर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कनक, यही रास्ता है तेरे कुल को आगे बढ़ाने के। पर किसके साथ? अनजान लड़की को इस घर की बहू मत बना। कोई ऐसी लड़की को ढूंढो जिसके ऊपर तुम्हें पूरा पूरा भरोसा है। अगर बाहर से किसी लड़की को लाओगी तो नागेंद्र उसे समझा के लालच देके एक झटके में अपने तरफ कर लेगी। इसलिए तो फिर तेरी करीब की कोई लड़की बिल्कुल बेटे, जीवन में इतना खालीपन मैंने कभी नहीं देखा। बेटे, तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और अभी तू ही कहो बेटा, ये जीवन की नैया किसके सहारे चलेगी? बाबूजी, आप चिंता मत करिए, आपका सहारा जरूर मिलेगा, किसी भी रूप में एक दिन जरूर आएगा। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी, क्या हो गया तुम्हें? बाबूजी, आप ही कहते थे ना मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। हाँ। तो आज आपकी बेटी जो मांगेगा आप दोगे ना? बेटी, तू कहे तो इस दिल की धड़कन तुझे दे दूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे डर लग रहा है बाबूजी कि जो अरमानों का माला मैं बनने जा रही हूँ उसका मोती कोई बिखर ना जाए। तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है? आपके ऊपर तो भरोसा है पर मेरे नसीब पर भरोसा नहीं। बेटा, तुम्हें जो मांगना है मांगो। नहीं, पहले मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ। ले, ये खाई कसम। बस अभी तो बोल, तुझे क्या चाहिए? वारिसदार, 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 वारिसदार। हाँ बाबूजी, मुझे वारिसदार चाहिए, हमारी ये सुनी हवेली और इस जमीन की वारिसदार। मतलब के तुम्हें दूसरी शादी करने की इच्छा? नहीं बाबूजी, ये असंभव है। तो फिर? मैं आपकी बात कर रही हूँ बाबूजी, आपकी शादी की बात। पागल हो गई है तू? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? हाँ बाबूजी, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि इससे पहले कोई बेटी ऐसी बातें नहीं की होगी। लेकिन बाबूजी, अपने घर और जमीन के एक वारिसदार की जरूरत है, इसीलिए आपको शादी करना बहुत जरूरी है। नहीं,
ऐसा कभी नहीं होगा। बाबूजी, जिसको जाना था वो तो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया है, लेकिन उनकी जो हत्यारा वो अभी भी जिंदा है। आपको नहीं पता बाबूजी, नागेंद्र चाचा और उनके दोनों बेटे ने हमारे जमीन और महल को हड़पना चाहते हैं, और आज ही हमें डरा के धमका के और मेरी इज्जत पे भी हाथ डालने की कोशिश की। और वो इसलिए सब कर रहे हैं कारण कि अपने पास एक बारिशदार नहीं है। बाबूजी, इसलिए मैं कह रही हूँ आप शादी कर लीजिए। अरे, इस महल को, इस जमीन को एक बारिश दे दीजिए बाबूजी, एक बारिशदार दे दीजिए। तेरे पागलपन की हद हो गई है। तुम ऐसा मानती हो कि किसी गरीब लाचार को धन की लालच देके जबरदस्ती शादी कर लूं, या फिर मैं किसी रास्ते में घूमती हुई औरत से शादी कर लूं? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन सी संस्कार वाली लड़की मेरे साथ शादी करेगी? लड़की तो मैंने देख लिया है और उसके संस्कार आप भी जानते हैं बाबूजी। पराई स्त्री और अनजाने में आए हाथ पे तलवार कभी भरोसे के नहीं होते, और इसकी सबक हमें पहले ही मिल चुके हैं। इस घर में बहू बन के आएगी तो मेरी बहन राधा ही आएगी। ए राधा, कल मैं तुझे एक खूबसूरत जगह पर घूमने के लिए ले जाऊंगा। अच्छा, कहाँ? जंगल में। जंगल में? जंगल में कोई घूमने के लिए थोड़ी जाता है, बहुत जंगली हो तुम। ए राधा, रुक जा, मेरी बात तो सुन। मैं जिन जंगलों की देखभाल करता हूँ ना, वहाँ भी एक ऐसा सुंदर तालाब है। अच्छा, और वहाँ उसमें बहुत किस्म के फूल भी हैं, रंग बिरंगी। सारे जगत में से बहुत पक्षी आते हैं वहाँ। वहाँ एक बहुत सुंदर हंसों का जोड़ा भी आता है, तो मैं जोड़ा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या है इन दोनों सारस में? कहते हैं कि वो हंसों का जोड़ा कभी कभी देखने को मिलता है, फिर वो दोनों कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, पर जो उन दोनों में से किसी की मौत हो जाए तो दूसरा उसके वियोग में सर पटक पटक कर मर जाता है। ऐसी अमर जोड़ी को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। सच में? तो मैं भी तुम्हारे साथ उस सरस के जैसी हूँ। हे राधा, उस हंस के जोड़े को देखता हूँ तो मुझे अपना प्यार याद आता है, और फिर घने जंगल भी सुंदर लगने लगते हैं। राधा, उस हंस के जोड़े की तरह तुम भी मेरा साथ दोगी? हाँ किशन, ये जन्म में नहीं, मैं तुम्हें जन्म जन्म का साथ दूंगी, जन्म जन्म तक साथ दूंगी। राधा, कनक दीदी की गाड़ी? अरे दीदी आ गई। अच्छा किशन, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कनक दीदी आप आ गई हो? नहीं छोड़ूंगी कनक दीदी, आप तो ससुराल जाके मुझे भूल ही गई हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ससुराल तो मेरे लिए एकदम खाली खंडर बन गया है, इसीलिए तो मैं तुझे लेने आई हूँ। मुझे? हाँ। माँ, माँ मुझे जाने दो ना माँ। मेरी बात सुन, जितना हो सके उतना सामान तू बांध ले, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। मारा मारी करना है क्या? ऐसा? मैं तैयार हूँ। नहीं, विधाता ने सिर्फ तेरी बहन को विधवा नहीं किया, उसने तो अपने जमीन को भी विधवा कर दिया। नागेंद्र हमारे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। नागेंद्र के मन में यही इच्छा है
कि मेरे साथ उसके बेटे की शादी करा के उसके गंदी जहर मेरे पेट में डाल कर और उसे मैं पाल पोस कर उसे मैं अपने जमीन का वारिसदार बनाऊं। मैं एक हाथ से लड़ाई लड़ लड़ के थक गई हूँ। मुझे थोड़ा हिम्मत चाहिए माँ, पर मैं ये हिम्मत किससे मांगू माँ? अरे तेरे लिए अगर मेरा जान भी जाए तो कोई बात नहीं, बोल बोल तुझे तेरी बहन से क्या चाहिए? मैं तुझे अपनी सास बनाना चाहती हूँ। हाँ ना मत कहना राधा, मैं अपनी लाडली बहन के पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, जो भी करना है सोच समझ कर करो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। राधा राधा, इस शादी से तू राजी है ना? बोल राधा बोल, इस शादी के लिए तू तैयार है ना? एक शब्द मत कहना राधा, एक भी शब्द मत कहना, और जो भी कुछ बोलना है मैं बोलूंगा। वाह चाची वाह, उंगली से नाखून जुदा है तो जुदा है। कनक, तेरे बूढ़े ससुर के साथ तेरी छोटी बहन की शादी करवाने का सोचा तो सोचा कैसे? हाँ, तुम समझती क्या हो अपने आप को? कि तेरे मन में कोई विचार आया तो बिना सोचे समझे तेरी छोटी बहन की शादी किसी के साथ भी करवाने के लिए तैयार हो जाती है? तुझे शर्म नहीं आती? कसाई से भी ज्यादा बुरी सोच आ गई है तुझमें कनक। किशन, क्यों, क्या हुआ कनक? तेरी दुखती नब्ज पे हाथ रख लिया इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कनक? राधा, मुझे पता है इन लोगों की ये चाल है जिसमें कनक के साथ उसकी माँ भी ये शामिल है। किशन, कनक की माँ, ये सब तू क्या बोल रहा है? बोलो चाची, जवाब दो, जवाब दो ना। एक अनाथ लड़की को बचपन से खिला पिला कर बड़ा किया, उसका हिसाब चुकता कर रहे हो तुम लोग? हाँ किशन, इस राधा को बचपन से खिला पिला कर बड़ा किया, उसका हिसाब ले रहे हो ना तुम लोग? किशन, ये सब तू क्या बोल रहा है? मुझे पता है कनक मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कनक, कि तूने तेरे ससुर के साथ इस राधा की शादी करवाने के बाद तेरी माँ को कही और तेरी माँ चुप रही। पर इसी माँ ने इस राधा को 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया होता ना, तो यही बात सुनकर तेरी जबान के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते तेरी माँ ने। बोलो ना चाची, उंगली से नाखून जुदा वो जुदा है। अरे बोलना चाची बोलना, तेरी सगी बेटी को बोलना कि ये राधा तेरी क्या लगती है, बोलना। बोल माँ बोल, ये क्या बोल रहा है? आप चुप क्यों हो माँ? बोल बोल दे, ये झूठ बोल रहा है। क्यों, सच बात हजम नहीं हो रही ना? इस चाची को भी पता नहीं है सच्ची बात कनक, कि इस बात इस रहस्य का पता मुझे भी है। पर मेरे पिताजी ने ये बात मुझे बहुत बार बोली। दादा तुझे याद है उस दिन में मजाक मजाक में कहा था कि तेरी माँ सगी नहीं है, सौतेली माँ है? पर वो मजाक नहीं था मेरा दादा। एक बात और तुझे कहता हूँ चाची, इस राधा को उसकी जिंदगी का फैसला उसे अपने आप करने दे, बस। माँ, जो बात आज तक मुझे मालूम नहीं है, जो बात पूरी दुनिया नहीं जानती, वो बात किशन को कैसे पता चला? बोलो माँ बोलो। हाँ हाँ बेटा, किशन की बात सच है। उस वक्त तू बहुत छोटी थी, 8 बरस की थी। तेरे पिताजी बाहर काम के लिए गए थे और उस समय एक बहन मेरे साथ रहती थी, कमला। बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनती थी, पर बहुत दुखी थी। उसका पति रोज दारू पी के मारते थे उसको। एक दिन ऐसा हुआ और एक दिन कमला एक बेटी को जन्म दिया, वो थी राधा। हाँ राधा करीब कुछ महीने की थी, इसके बाप ने उसे माँ को छोड़ के कहीं चला गया। मुझे बराबर याद है, एक अंधेरा बरसात की रात को बहुत तूफान के अंदर। बहन, ओ बहन। कौन? अरे कमला, इतना तूफानी रात को तू यहाँ, क्या बात है? बहन, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है,
अभी के अभी मुझे गांव जाना है। अरे इतनी बारिश में तू कहाँ जा रही है? मैं कैसे भी करके पहुँच जाऊंगी, लेकिन इस बारिश में राधा को साथ में लेके नहीं जा सकती। तो एक दिन के लिए मेरी बेटी को अपने पास रखिए ना, मैं कल शाम को वापस आ जाऊंगी। ठीक है। अरे 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 कमला, अरे कमला, ए कमला। अरे लेकिन और फिर 4-5 साल बाद मुझे पता चला और तेरे बापू ने सारे गांव को बोला कि हमने दूसरी बेटी को जन्म दिया है, इसलिए सारा गांव ये मानते हैं कि तू राधा की सगी बहन है। नहीं बहन, नहीं, रोना नहीं। अगर तू थोड़ा सा भी रोएगी ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। नहीं बहन, तू बिल्कुल मत रो। तू अगर रोएगी तो मेरे अंदर के सारे सपना टूट जाएगा। नहीं बहन, देख देख, जहाँ दिल से दिल का मिलन हो वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। और फिर हम तो जन्म जन्म साथ रहेंगे। तुझे कभी मैं तकलीफ में नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। समझ गई ना, समझ गई? अगर तू मेरी कहना नहीं मानेगी तो मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। भगवान की खातिर तुम ऐसी बात मत करो, मत करो, भगवान की खातिर बहन मत बोलो। राधा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझे तुम्हारे और किशन के प्रेम की बात पता नहीं थी। बस बस, जो कहना था कह दिया तुमने, कर दिया ना तुमने सौतेला बहन जैसा व्यवहार। नहीं बहन नहीं, तू कौन कहता है तू सौतेली है? अरे तू तो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। हाँ, एक पल में बहन बोलती हो, दूसरे पल में गैर बना देती हो, ऐसे मेरी क्या गलती थी? जिस प्रेम से आपने मुझे बड़ा किया, जिस प्रेम ने मुझे इस काबिल बनाया, क्या वो प्रेम गलत है या मर गया है? नहीं राधा नहीं, दीदी तुम्हारी प्रेम की छाव में मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। और हाँ, एक सगी बहन एक दूसरी सगी बहन के लिए निछावर कर सकती है। तो चलो पकड़ो मेरा हाथ और ले चलो मुझे तुमको जहाँ ले जाना है। किशन नहीं, किशन नहीं। जिस आत्मविश्वास से कनक बहन ने गुजारिश करके मुझसे कुछ मांगी थी, पर मुझे उस बात का इल्म नहीं था कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ। मुझे एकनाथ ने जिंदगी में सगी बहन जैसा प्यार दिया है, कितना कितना उपकार किया है ये लोगों ने मुझे, और इस उपकार के बदले में आज पहली बार सेवा करने का मौका मिला है। आज अगर मैं मुकर जाऊँ तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। किशन, मैं तुझे भूल जाऊँ तो हो नहीं पाएगा। तेरा नाम एक दीवार पर नहीं, राधा के दिल में लिखा हुआ रहेगा, हमेशा दिल में लिखा हुआ रहेगा। भावनाओं में बहकर बात कर रही है राधा, ये फर्ज की बातें कर रही है, उपकार की बातें कर रही है, हमारी यादों को भूल कर जीने की बात कर रही है। पर तुझे याद है राधा, एक दिन मैंने तुझे हंसों के जोड़े की बात कही थी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बिना सहारे ये हंस, तेरा ये हंस अपनी हंसनी के वियोग में सोच सोच कर मर जाएगा, ये नहीं सोचा? ऐसा मत बोल किशन, एक दूसरे के साथ जीना तो हमारे नसीब में नहीं है। पर इतना याद रखना, जिन लोगों ने मुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया है उनके लिए मुझे अग्नि परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। हे राधा, मेरी बात सुन। नहीं किशन नहीं, जिस फर्ज के रास्ते में मैं निकल पड़ी हूँ उस रास्ते पे जाने के लिए रुकाओ मत, मैं तुझे कसम देती हूँ। ये चाचा ने शादी कर ली और हम रह गए। अबे बहादुर, चाचा ने शादी की तो की, पर ये बेटी जैसी लड़की के साथ शादी करके उसने पूरे गांव में अपनी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी है। शाबाशी तो कनक को देनी चाहिए। फिर चाचा को बुरी उम्र में घोड़े पे बिठाकर
पूरे गांव को गधे पर बिठा दिया। अरे गांव को गधे पे बिठाया वो तो ठीक, पर वो कनक अपने को उससे भी गए गुजरे जानवर के सिर पे बिठाना चाहती है। मतलब? अरे इसका मतलब क्या, इतना भी नहीं समझता ये अर्जुन मर गया कि नहीं? मतलब कनक अपने चाचा के वंश को आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए अपनी बहन को लाई है, क्योंकि उसे चाहिए चाचा की जमीन का वारिसदार। घर का उजाला।
खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, वो तेरी भर जाए सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, वो तेरी भर जाए सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, वो तेरी भर जाए सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, वो तेरी भर जाए सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, हाँ सारी खुशियाँ से, नजर किसी की ना लगे मैं ऐसी दुआएं दे दूँ, हाँ ऐसी दुआएं दे दूँ, हाँ ऐसी दुआएं दे दूँ, चाची मेरे लिए बना दे तू रोटियाँ, चाची मेरे लिए बना दे तू रोटियाँ, किसी और के हाथों से ना खाना पड़े, बना दे मेरे लिए बना दे तू रोटियाँ, किसी और के हाथों से ना खाना पड़े, बना दे रोटियाँ, है बना दे सरकार की हवेली साथ जुटी। ये तो अच्छा हुआ सरकार फिर से शादी कर रहे हैं। अब राधा जिस बेटे को जन्म देगी तब उसका वारिश वही बनेगा, पर नागेंद्र उसे चैन से जीने देगा तब ना। आपने शेर जैसे कनक बेटी है ना, वो बहुत खतरनाक है, खतरनाक। बस हमें तो भगवान से ही प्रार्थना करनी है कि सरकार का सब ठीक ठाक चले। सही बात है। बड़ी बहन तू आ गई है, कैसी है तू? सब कुछ ठीक है ना? थोड़ा दर्द है बस। अरे मेरे लाल, मेरा बच्चा, मेरे बाबू, मेरे लड़ला। अर्जुन, अर्जुन मुझे पक्का यकीन है कि तुम जरूर वापस आओगे मेरे पास। तुझे पता है तेरे मेरे रिश्ता कितना गहरा है? मैं तेरी माँ हूँ, तेरे मासी भी हूँ और तेरे भाभी भी हूँ। चल हम अपने घर चलते हैं, चल। अरे अरे कनक, 3 महीने पूरा तो होने दे, इतना जल्दबाजी क्यों कर रही है? और इसका सारे रस्म भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। माँ, इसका जो भी रस्म होगा उसमें कोई भी लेन देन की बात मत करना, बाबूजी नाराज हो जाएंगे। अरे राधा के बारे में भी तो सोच, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा आराम करने दे। ना माँ, मैं ध्यान रखूंगी। चल राधा जल्दी कर। हाँ, अब हम दुश्मनों को भी बताएंगे कि देखो आ गया मेरा बेटा, आ गया मेरा बारिशदार। आप फिकर क्यों कर रहे हो पिताजी? अरे दुश्मन के वहाँ बेटा ही तो हुआ है, अभी पैदा होके अपना हक थोड़ी ना जमा देने वाला है वो। अभी भी दुश्मन के बेटे के बारे में सोच रहे हो बापू? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो उस लड़के की हिम्मत को सलाम करता हूँ, उसने जो भी किया करके दिखाया। राधा, मेरा बेटा। राधा, तुझे पता है नहीं, इस छोटे सरकार के पाँव से अपनी जमीन में सोना उगने लगा है। सोना? क्या बात कर रहे हो? हाँ? अरे बाप, मेरा छोटा सरकार आ गए हैं, जैसे खजाने का पिटारा खोल दिया है। मुझे सरकारी दफ्तर जाना है, अब तू बच्चे का ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। हाँ, ठीक है।
मुझे तो लगता है कि नसीब दुश्मनों का ही साथ दे रहा है। देखो ना, इस दुश्मन के घर पे बच्चा पैदा हो गया। आपने जेल में 16-16 बरस बिताए, फिर से जमीन की मांग की तो अर्जुन गुजर गया। बाद में लगा कि अब जमीन मिलेगी तो ये कनक बीच में आ गई। उस सरकार ने भी मेरी जमीन में से रास्ता क्यों नहीं निकाला? मार डालूंगा वीरभद्र को, जान से मार दूंगा। बापू, पहुंचा दो इस पागल मरी हुई गाय को अपने स्वधाम, यानी दुश्मन के वहाँ पे। इसके नाम का राम बोलो भाई राम। बापू, तेजपुर जाने के लिए 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, इसलिए सरकार ने हमारी इस जमीन को मांगा है। और देखो, ये जो रास्ता है ना, वहाँ से होकर सीधा तेजपुर निकलेगा। बापू, अपने खेत के बाजू में रोड होने से हमारी जमीन के भाव दुगना हो जाएंगे और पूरे गांव की रौनक बदल जाएगी। सरकार बहुत अच्छे। अरे नागेंद्र, नागेंद्र नाम है मेरा, नागेंद्र। एक फूंक मारे तो पानी भी ना मांगे। नागेंद्र, इस सारी जमीन पर आज से मेरा हक रहेगा। वीरू, बंद कर तेरी बकवास। इस जमीन के लिए पहले माँ का खून किया, फिर अर्जुन को मरवा दिया, और अब तेरी बारी है। उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तेरे जाने से मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी कि जब तेरे घर का अंतिम दिया मेरे हाथ से बुझेगा, और तेरे उस दिए को बुझाने के लिए तेरी हवेली पर मेरे दोनों बेटों को भेज दिया है। नहीं, नहीं, नहीं। जो तुम में से कोई आगे बढ़ा तो एक एक के टुकड़े कर दूंगा। सेठानी जी, नागेंद्र के आदमी हम पे हमला करने आ रहे। आप छोटे सरकार को लेके पीछे के रास्ते से निकल जाइए। नागेंद्र ने बड़े साहब का खून कर दिया। क्या? नहीं। राधा, राधा, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे राधा? क्या हुआ? बोल। राधा, उठ राधा, उठ राधा, छोटी माँ। चलो, 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 जल्दी भागते हैं, चलो, जल्दी भागते हैं। नागेंद्र वो लोग आ गए हैं। अरे तू लाला को लेके यहाँ से चली जा, जा 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 जा। लेकिन, लेकिन दीदी, अरे तू जा ना, जल्दी जा यहाँ से।
चल अभी सामने आ। खबरदार, अगर एक पैर भी आगे रखा तो। अभी रहने दे रहने दे। सूरवीर के हाथ में मेहंदी और लड़की के हाथ में तलवार नहीं चौंपती। ला। ए! मुझे अबला मत समझना नराधन, तुझे नारी की ताकत की खबर नहीं, उसमें कितना शक्ति होती है, किस हद तक वो जा सकती है। जब उस शक्ति के हाथ में महाशक्ति आती है तो फिर इंसान क्या ईश्वर तक डर जाते हैं। तो फिर तुम जैसे दानव की क्या औकात है। आजा आजा मुझसे मुकाबला करने के लिए। नागेंद्र के आदमियों ने हवेली पे हमला किया हुआ है, चलो मारते हैं उसको सब मिलके। हाँ चलो, चलो चलो चलो। तू किशन भाई को जाके खबर देना, हम लोग हवेली पे जा रहे हैं। चलो चलो, चलो, चलो। छोर छोर मेरे बेटे को, छोर छोर, अरे छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दो, भाभी भागो, भाभी भागो, भाग जाओ भाभी, भागो भाभी, भाग जाओ भाभी, चल जल्दी। भैया वो रही, पकड़ो उसे। अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे। रुक जाओ, एए! लाठी लो, मारो मारो मारो। ए मारो मारो, छोड़ दो नहीं आगे से, लाठी लो, मारो मारो मारो।
बेटा भूपेंद्र, मेरा बेटा भूपेंद्र। भादुर भादुर। इस जमीन के लिए जिसके वंश को मैं खत्म करना चाहता था, उसके बदले मेरा ही वंश खत्म हो गया। मेरा वंश नहीं तो किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। राधा 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 कहाँ है राधा? था मेरी बहन राधा, मेरी बहन। देख तेरा बच्चा, देख हमारा बच्चा। राधा किशन, किशन